स्वागत है। कोई नहीं, आज की प्रेस वार्ता जिस मुद्दे के लिए आमंत्रित की गई है, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। मेरे साथ आज राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री और हमारे पीसीसी के प्रवक्ता जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरेवास जी हैं, एआईसीसी के सचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी पूर्व विधायक जुबैर खान साहब, एआईसीसी के सचिव यूपी प्रभारी धीरज गुर्जर जी, रोहित जी एआईसीसी के सचिव, और हम सब आपके बीच में दो तीन बातें कहने के लिए आज हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इतने भारी संकट के समय में जब संक्रमण फैल रहा है, तो आज इस बात की स्पष्टीकरण करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है जो मुद्दा कई दिनों से सुर्खियों में है। देश में लॉकडाउन होने के बाद लाखों करोड़ों हमारे श्रमिक भाई बहन अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे और आज भी फंसे हुए हैं। जब एक पखवाड़ा बीत गया और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आई, तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने पहल करते हुए ये निर्णय लिया कि कोई भी श्रमिक देश के किसी कोने में भी होगा, उसको घर वापस जाने का रेल का किराया, भाड़ा, खर्चा जो भी होगा उसको कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। कांग्रेस पार्टी के इस निर्णय के बाद कुछ हलचल मची थी इन सरकार में, लेकिन उसके पहले ना तो रेल यात्रियों के लिए ना बस यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था केंद्र सरकार ने करी। और ये बात सच है, आज भी श्रमिकों के आवागमन के लिए कोई ठोस राष्ट्रव्यापी नीति केंद्र सरकार ने प्रस्तुत नहीं करी है। यही कारण है कि आज टेलीविज़न और अखबारों में हम देखते हैं रोते बिलखते बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर यात्रा तय कर रहे हैं, जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, भूखे हैं, तड़प रहे हैं। उनकी मदद के लिए जिस प्रकार से सरकार को आगे आना चाहिए था, अभी तक वो आगे नहीं आए। इसको देखते हुए एआईसीसी की महासचिव यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1000 बसों को भी मदद करने का ऐलान किया। उन बसों को लेकर बहुत विवाद हुआ और यूपी की सरकार ने परमिशन देने से मना किया। निस्वार्थ भाव से मानवता को देखते हुए 1000 बसों को कांग्रेस पार्टी ने यूपी भेजने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, जिसको बहुत देर तक परमिशन नहीं मिली। जब परमिशन मिली तो कहा गया कि उसको लखनऊ भेजिएगा, आगरा भरतपुर बॉर्डर से बस लखनऊ जाएगी, उसके बाद उसको आगे भेजा जाएगा। फिर बाधाएं बनाने के लिए नाना प्रकार के डंडे अपनाए, कभी कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, कभी कहा कि ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि काम करने का कोई बहाना नहीं, ना करने के 100 बहाने। अंत में नेताओं पर FIR हुई, जेल में डाला गया, गतिरोध पैदा किया गया, कई दिनों तक बसें बॉर्डर पर खड़ी रहीं, नोएडा बॉर्डर पर, दिल्ली के पास, आगरा बॉर्डर, भरतपुर बॉर्डर पर। और अंत में आरोप लगाया गया कि बसों में सूची में कमी थी, 1000 बस कहा था, कितनी कम बस थी। और आज हम सब दस्तावेज लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, इसका स्पष्टीकरण हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास जी करेंगे, जुबैर भाई भी बताएंगे यूपी के बारे में। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक पहल कर इतने संकट के समय में कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई दल, कोई भी अगर मदद का हाथ बढ़ा